हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वीवो वाई 20 2021 वाले वेरिएंट के बारे में बताने वाला हूं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे कि एंड्रॉयड 12 की अपडेट आएगी या नहीं आएगी। अगर अपडेट आएगी तो आपने इसको अपडेट कैसे करना है, अगर आपके पास भी सेम वीवो वाई 20 2021 वाला वेरियंट है तो। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको मोबाइल स्क्रीन भी दिख रही होगी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ अबाउट फ़ोन में जाकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोम वर्जन जो अभी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है वो है फनटच ओएस 11 ग्लोबल। आपको इसकी अपडेट मिली होगी, यकीनन आपने अपडेट भी किया होगा। तो क्योंकि ये जो मोबाइल है ये एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है, तो एंड्रॉयड 12 की अपडेट मिली है। अब एंड्रॉयड जो है 11 की अपडेट मिली है, अब एंड्रॉयड 12 की अपडेट मिलेगी। तो एंड्रॉयड वर्जन भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर तो देख ही पा रहे होंगे। तो ये देखें, एंड्रॉयड 11 की अपडेट हमें मिली हुई है। तो ये देखें, तो इस तरह से अब जो है मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि क्या वाकई इसको अपडेट मिलेगी या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको अपडेट मिलेगी। इसमें जो नए फीचर्स आएंगे वो बेसिकली वो फनटच ओएस 11 ओएस 12 के जो फीचर्स वगैरह हैं वही होंगे। बाकी आपको जहाँ पर जो विजेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपके पास अपडेट्स हो तो आपने इसको अपडेट कैसे करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जी हाँ एंड्रॉयड 12 की अपडेट आएगी, फनटच ओएस 12 की अपडेट लाजमी आएगी। और इसका प्रूफ भी मैं आपको लिस्ट जारी की है, वीवो वाई 21 भी शामिल है इसमें, और ये मॉडल वीवो वाई 20 2021 वाला मॉडल भी शामिल है। तो इसमें फीचर्स कुछ ये आएंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका डायलर जो है हो सकता है कि इसका अपना डायलर दे दिया जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला डायलर जो है काफ़ी वीवो का ओरिजिनल डायलर है, तो ये भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको विजेट्स में काफ़ी ज़्यादा आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, विजेट्स नए ऐड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड और ड्रावर मोड का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है कि आप इनके बीच में स्विच कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक रही बात कि जो है ये कब तक अपडेट आ सकती है, तो वीवो वालों ने खुद यही कहा है कि आपको जो है कंफर्म तो नहीं बताएंगे, लेकिन तकरीबन जो है दोस्तों 2-3 महीनों तक आ जाएगी अपडेट, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली एंड्रॉयड 12 की अपडेट आ जाएगी। तो अगर आपने अपडेट करना है तो मोबाइल डेटा या वाईफाई से कनेक्ट करके ऑन करना है, सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपके ये पहले चेकिंग करेगा, चेकिंग होते ही आपको ये बता देगा कि अपडेट आ चुकी है, तो आप अच्छे अपडेट कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो को करने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।